मैं देख रहा था आपका प्रोफाइल, इंजीनियर थे, वहां से राजनीति में आ गए। कैसा ये जीवन का चक्र कैसे चल गया भाई? वहां पर मैंने प्रायोरिटाइज किया कि जो बच गया जिंदगी, अब उसको तो अब सार्वजनिक जीवन में समर्पण कर दूंगा। तो मैंने एक ऐसे पार्टी को चूज किया जो स्कूल और हॉस्पिटल के लिए काम करती है। आपके आंसू बता रहे हैं आपके संघर्ष की कहानी। आपने आम आदमी पार्टी क्यों चुना? काम करने का सिस्टम। आम आदमी पार्टी एक पढ़े लिखे लोगों की, एक ईमानदार लोगों की पार्टी है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं सर, केंद्र में अगर बात की जाए तो अलायंस बना के बैठे हैं, यहाँ पे राज्य में, राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे कोस रहे हैं। मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन पूछे आप। निराश नहीं की? नहीं नहीं, एक मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन पूछे आप। लेकिन क्या संभव नहीं है कि हम यहीं के युवाओं को, इनके हाथ को हम रोजगार मुहैया कराएं? उसके साथ अकलतरा के लिए हमने ये स्पेशल 10 गारंटी बनाया हुआ है। इसमें साफ साफ हमने लिख के दिया है कि अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित जितने भी संयंत्र हैं उसमें 80% जो रोजगार होंगे वो हमारे क्षेत्रीय युवा बच्चे हैं, जो भी छात्र छात्राएं जो पढ़ के निकलते हैं उनको ही दिया जाएगा। ऐसा व्यवस्था हम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है और मैं हूं आपके साथ में राकेश निर्मलकर। चुनाव सामने है, वैसे में हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रत्याशियों से मिला रहे हैं, साथ ही साथ विधायकों के कामकाज का हिसाब भी ले रहे हैं। इसी क्रम में हम आए हैं जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा क्षेत्र बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पर एक परंपरा रही है कि जो यहाँ पर प्रत्याशी विधायक बन के आता है उसकी सरकार कभी नहीं बनती। लेकिन इस बार क्या ये परंपरा बदलने वाली है, इसी पर चर्चा करेंगे। और यहाँ से आनंद प्रकाश मीरी जी इस समय हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है मीरी जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप? आपकी मुदित मुस्कान बता रही है कि इस बार लग रहा है कि परिवर्तन होने वाला है, यहाँ पे क्या माहौल है? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि आप लोगों ने एक नया कुछ उसमें नया प्रयोग कर रहे हैं आप कि कैंडिडेट्स के पास जाके और उनसे एक सवाल जवाब करना, उनके विचारों को समझ के और जनता के बीच में लेके जाना, ये बहुत बड़ी पहल है। तो इसके लिए निश्चित ही बधाई के पात्र हैं आप और आपकी पूरी टीम। थैंक यू सर। जहाँ तक बात है अकलतरा विधानसभा क्षेत्र की, तो इस बार तो कुछ अलग होने वाला है। आप जाइएगा जहाँ जहाँ पर सुदूर गांव है, जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, नेतागण नहीं पहुँच पाते, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप एक बार जाइए, हो के आइए। रोड नहीं है लेकिन जैसे तैसे करके पहुँच जाएंगे अगर, तो अगर वहाँ पर पाएंगे आदिवासी क्षेत्रों में भी कि आम आदमी पार्टी को इस बार तो जनता भरपूर प्यार कर रही है और निश्चित ही इस बार बदलाव के लिए तैयार है अकलतरा की जनता। बदलाव के लिए तैयार है, लेकिन इस बदलाव के पीछे जो एक कारण आप भी दिख रहे हैं, लेकिन कौन मीरी जी है, आनंद मीरी कौन है, इसको लोग कैसे जानेंगे? हमारे माध्यम से आप बताइए अपने जीवन के बारे में कि आप कैसा है। मैं देख रहा था आपका प्रोफाइल, इंजीनियर थे, वहाँ से राजनीति में आ गए, कैसा ये जीवन का चक्र कैसे चल गया भाई? देखिए, मैं एक अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोटमी सुनार का रहने वाला हूँ। ग्राम कोटमी सुनार में पैदा हुआ, मेरे माता पिता साधारण परिवार से ही थे। बचपन में मेरे बाबूजी रेलवे में एम्प्लॉय थे जब मैं छोटा था और 8th क्लास में था तब वो रिटायर हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं जो मेरी जो संघर्ष की जो कहानी है बहुत लंबी है। बचपन में मैंने खेतों में काम भी किया है, अपने खुद के खेत में ही काम किया है, हल चलाया, जो भैंस होते हैं उसको चराने जाते थे गर्मी के दिन में, वो भी किया। वो सारा काम करते करते माँ बाप के आशीर्वाद से इंजीनियर बन गया क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं किया, इस वजह से इंजीनियर बन गया। तो अब यहाँ पर कुछ तो है नहीं, आपको काम करना है तो कुछ पैसे कमाना है तो काम करना पड़ेगा, और काम करना है तो बाहर जाना पड़ेगा। खाली इंजीनियरिंग का डिग्री लेके यहाँ कुछ कर सकता नहीं था। तो मैं चला गया 2006 में मुंबई, वहाँ पर लगभग 15 सालों तक रहा और देश विदेश के अलग अलग लोगों के साथ काम किया, अमेरिकन और स्विस बैंक जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया, फिर छोटा मोटा खुद का व्यवसाय भी चालू किया। वहाँ पर जीवन का जो अनुभव है, मैंने जब भी मैं गांव आता था साल में 5 बार 6 बार आते ही रहता था क्योंकि माँ बाप भाई बहन बाकी पूरा परिवार कोटमी सुनार में है,
तो सोचता था गांव की ही ज़िंदगी को, कि मेरे साथ में बहुत सारे जो लोग पढ़े लिखे उनके बच्चे जो आज एक अच्छी शिक्षा के लिए वंचित हो पा रहे हैं, उनकी तरक्की नहीं हो पा रही गांव में। बहुत सारे चीज़ें बेसिक बुनियादी चीज़ों के ज़रूरतों के लिए लोग इधर उधर भटकने में मजबूर है, आज भी वह हालात है। मैंने जो महानगर में मुंबई जैसे महानगर में रहा और सभी महानगर को घूमा हूँ मैं, भारत के बड़े बड़े जितने भी शहर हैं वो हर शहरों में मैं लगभग जाके और कुछ व्यावसायिक कारणों से और कुछ घूमने के वजह से, मतलब सब जगह मेरा जाके और देखने और सीखने का अनुभव रहा है। तो मैं वहाँ जब भी आता था गांव, सोचता था कि मेरे खास मेरे गांव में भी ये सब सारी चीज़ें, मेरे अकलतरा छोटा सा शहर है ज़रूर है लेकिन वहाँ भी ये क्यों ना व्यवस्था हो सकता है, छोटी मोटी चीज़ें, स्कूल अच्छे क्यों नहीं हो सकते, अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हो सकते। मेरे गांव में आज भी इतना बड़ा ग्राम पंचायत है, 10,000 से ऊपर की पॉपुलेशन है, आज भी सरकारी हाई स्कूल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारा इतना बड़ा ग्राम पंचायत है और सरकारी हाई स्कूल नहीं है आज़ादी के 75 साल बाद, सोचने वाली विषय है। तो ये सब सारी चीज़ों को सोचता था मैं, सोचता था कि कौन बदलाव लाएगा, कैसे लाएगा, आज ये पार्टी की बदलाव आएगी, वो पार्टी को मौका दिया वो लाएगा, कोई और लाएगा, लेकिन किसी ने नहीं लाया। इसी बीच आया 2018 में 19 में कोरोना काल आया, 20 में पूरा हाहाकार मचा, तो सेकेंड वेव में जिस तरीके से चलता रहा, मैंने अपनों को खोया। मेरे पिताजी दिसंबर 2020 में छोड़ के गए मेरे को, फिर उसके बाद जब मैं बॉम्बे गया वापस तो वहाँ पर मैं भी चपेट में आया। वहाँ मेरी ज़िंदगी की और जो मायने थे वो समझ में आए कि आदमी का क्या प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, वो प्रायोरिटाइज़ किया मैंने। 3 महीने पैंतालीस दिन में भी आईसीयू में था, 10 दिन वेंटिलेटर मशीन में था। डॉक्टर बोलता था कि आज जाएगा कल जाएगा, बच गया, ठीक हो के आया। पता चला कि और भी गांव में बहुत सारे लोग गए, इनफैक्ट मेरे फैमिली में भी गए। तो वहाँ रियलाइज़ किया मैंने कि आज मेरी जान बच गई, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा दिया था, 2-4 पैसे कमा लिए, कुछ अच्छे दोस्त बना लिए थे बॉम्बे में, उन लोगों ने हेल्प कर दिया, इलाज मिल गया इसलिए जान बच गई। लेकिन जिनको नहीं मिल पा रहा है वो नहीं बच पाए। तो वहाँ पर मैंने प्रायोरिटाइज़ किया कि जो बच गया ज़िंदगी अब उसको तो अब सार्वजनिक जीवन में समर्पण कर दूंगा। तो मैंने एक ऐसे पार्टी को चूज़ किया जो स्कूल और हॉस्पिटल के लिए काम करती है, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया। और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते ही मैंने डे वन से मिशन में लगा कि मेरे को स्कूल और हॉस्पिटल बना के रहना है अपने क्षेत्र में, चाहे कोई भी आए, कैसा भी परिस्थिति रहे, विपरीत रहे, जैसा भी रहे, लेकिन स्कूल हॉस्पिटल बन के रहेगा। आप अकलतरा विधानसभा में देख लीजिए, एक भी अस्पताल नहीं है ढंग का जहाँ पर आपको एक छोटा मोटा सर्जरी तो छोड़िए छोटा मोटा इलाज भी हो सकता है, नहीं होता है। जिला अस्पताल है जांजगीर में, वहाँ भी जाके देखिए कुछ भी नहीं होता है आपका। तो इस स्कूल का तो मैंने एग्जांपल देके बता दिया, इतना बड़ा ग्राम में स्कूल नहीं है तो बाकी सुदूर क्षेत्रों में आप जाके देखिए। मैं अकलतरा विधानसभा के लगभग जितने भी 150 से ऊपर गाँव हैं, छोटे छोटे गाँव हैं जहाँ पर 50 घर की बस्ती है, वहाँ तक गया हूँ और वहाँ भी जाके मैं देख रहा हूँ तो लोग अभी भी खाट में, आप चले जाइए इधर केरा कछार कंडरा वगैरह तरफ उस वो और पीछे जो आदिवासी बेल्ट है, रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, लोग अभी भी खाट में मरीजों को अस्पताल ले जाने में मजबूर है। सोचिए क्या है ज़िंदगी। तो सब सारी जो समस्याएं हैं उसको समाधान के रूप में इस बार आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं जनता, क्षेत्र की जनता, और बहुत प्यार दे रही। निश्चित ही इस बार हम कामयाब होंगे और हमारा जो मिशन है स्कूल हॉस्पिटल बिजली सड़कें जैसी जो बुनियादी चीज़ें हैं उसको हम बना के रहेंगे। और इसके लिए सरकार किसी का भी हो, आपने पूछा शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर सरकार बनती नहीं है अकलतरा विधानसभा में जिसका विधायक रहता है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक विधायक के पास इतना फंड आता है और इतने सोर्स ऑफ फंड होते हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर आदमी हूँ, मुझे वो सारे रास्ते पता है, संवैधानिक रास्ते कहाँ कहाँ से फंड आता है, ये सब बहाने हैं। अगर नीयत ठीक हो तो एक विधायक इतना चीज़ कर सकता है, स्कूल हॉस्पिटल सड़कें जैसे बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकता है, सरकार किसी की भी हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मिशन में निकले। हमने सौरभ सिंह जी का भी इंटरव्यू किया, अभी वर्तमान में विधायक हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने पूरे कामकाज से संतुष्ट हूँ,
मुझे जो काम करना चाहिए था मैंने पूरा किया है, और आप कह रहे हैं कि बहुत सारी कमियां गिना रहे हैं। अब देखिए, 10 साल मौका मिला। मैं एक जगह था, एक गांव में बलौदा ब्लॉक के, और कहीं से उनका एक पर्चा पॉम्पलेट जो है वो घूम रहा था, तो वहाँ पर 7-8 लोग थे, कुछ सीनियर लोग भी थे, कुछ नौजवान साथी लोग थे, वो पढ़ रहे थे उसमें, और नहीं सही वो बदल के रे वो। तो वहाँ पर जो लोग थे वो बात कर रहे थे, 10 साल मौका दिया आपको, 5 साल आपको बहुजन समाज पार्टी ने मौका दिया, 5 साल आपने बहुजन समाज पार्टी के विधायक के रूप में काम किया, और 10 साल आपको भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में आपने जनता ने मौका दिया, और नहीं सही वो अब आपको बदल के रे वो, मतलब उनको ही बदल के रहेंगे, ऐसा क्षेत्र की जनता है। अब उनको लग रहा है कि मैंने सब कुछ किया, अगर मंच बनाना विकास है तो उन्होंने मंच तो बनाए हैं कई गांव में, उसी गांव में जहां जहां पर उनको वोट मिला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्षेत्र की जनता कर रही है, क्षेत्र की जनता ये कर रही है कि अगर मेरे गांव में वोट नहीं मिला है तो वो सीधा आके बोलते हैं कि मेरे गांव में वोट नहीं मिला है, आपके यहां सड़कें नहीं बनाऊंगा, आपके यहां कुछ भी सुविधाएं नहीं दूंगा। आज जनता जाके देखिए, वो तरस रहे हैं जनता छोटी छोटी चीज़ों के लिए, तो काम कहीं धरातल में नहीं है, उनके सिर्फ पेपर में, काम कहीं नहीं। अगर काम ऐसा होता तो फिर जनता ओनी से वो तोला बदल के रही वो, ऐसे थोड़ी नहीं बोलते। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके आंसू बता रहे हैं आपके संघर्ष की कहानी, आपने आम आदमी पार्टी ही क्यों चुना? आपके पास तो बहुत से विकल्प थे, बड़ी बड़ी पार्टियाँ थी। जी बिल्कुल, विकल्प थे बहुत सारे, और निश्चित रूप से संबंध जो होते हैं सब में दोस्ती है, सब में हमारे जो दोस्त लोग हैं वो हैं, लेकिन एक होता है काम करने का सिस्टम। आम आदमी पार्टी एक पढ़े लिखे लोगों की, एक ईमानदार लोगों की पार्टी है, जो साफ नियत से आई है और जो पॉलिटिकल नहीं है। 10 साल पुरानी पार्टी है, और 10 साल में संघर्ष करके ही हमारे जो विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, आज वो कहीं ना कहीं सब अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग थे, कोई UPSC की तैयारी में आए थे, कोई PSC की तैयारी में आए थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, अलग अलग जगहों में कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो सब अपना जो देश निर्माण के लिए 10 साल पहले जो 11 साल पहले जो आंदोलन हुआ उसमें कूद पड़े, और वहाँ से जो पार्टी जन्मी उसका साफ नियत था कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ में आपको जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो भारत के संविधान में एक ही चीज़ लिखा है, क्या है? शिक्षा का अधिकार, स्वस्थ रहने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, ये सब जो भारत के संविधान में जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है हमें, उस अधिकार को संविधान के अनुरूप जनता तक पहुँचाने का जो काम है वो आम आदमी पार्टी ने ही किया। सबका यही सपना था, जितने भी महापुरुष जन्मे भारत के धरती में, वो सभी महापुरुषों का एक ही सपना था कि शिक्षित भारत का निर्माण हो सके, स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। लेकिन हमें माना भी जाता था, शिक्षित देश माना जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने से पहले, हमारे अगर देखा जाएगा तो, और कहीं ना कहीं बीच में षड्यंत्र पूर्वक उसको ख़त्म करने की साजिश रची गई, और गरीब वर्ग को गरीब रखने की साजिश रची जा रही है अभी भी, तो उसको तोड़ने के लिए जो संविधान ने हक दिया है उसी संविधान के अनुरूप काम करने के लिए आम आदमी पार्टी बनी, और आम आदमी पार्टी ने ज़मीन में करके दिखाया माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। आज इसीलिए दो दो राज्य में सरकार है, काम नहीं करते तो नहीं मिलता भाई साहब, मौका नहीं देती, दिल्ली की जनता देती क्या? दिल्ली में तो एटलीस्ट कम से कम गरीब वर्ग भी है और अमीर वर्ग भी है, तो दोनों वर्ग का प्यार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं काम तो किया ना, तो इसीलिए फिर आम आदमी पार्टी के ऊपर रुझान आया, क्योंकि मेरा खुद का मानना है कि स्कूल और हॉस्पिटल के बगैर आप जिंदगी का कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। पिछले बार अगर देखा जाए सर, 85 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई थी, कोमल हुपेंडी साहब का भी हमने इंटरव्यू किया है, उनका कहना है कि इस बार दमदारी से हम लोग वापस आएंगे, बाउंस बैक करेंगे, क्या लगता है इस बार? देखिए 2018 का जो कंपेयर कर रहे हैं, 2018 में जो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी उस समय संगठन बहुत कमज़ोर था, और उस समय पंजाब भी नहीं था हमारे पास, कहीं ना कहीं आज जो 2023 का जो है 5 साल के बाद का समय जो है बहुत बड़ा है, हमने दिल्ली में और बहुत सारे काम करके दिखा दिए, अभी पंजाब में मॉडल भी है हमारे पास, पंजाब में जो डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पर भी हमने काम करके दिखा दिए, 1.5 साल के गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है अगर नियत साफ हो तो पहले दिन से काम करती है आम आदमी पार्टी, इसलिए आज हम केजरीवाल जी के गारंटी को लेकर अब जन जन तक जा रहे हैं, तो जनता भी जाग गई। अभी पिछले 5 सालों की अगर बात करेंगे तो सबके पास मोबाइल फ़ोन है,
और सबके पास मोबाइल फ़ोन आया, इंटरनेट का ज़माना आया, तो सुदूर गांव में भी लोगों तक ये बात पहुंच गई कि दिल्ली में कोई एक पार्टी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और वो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल है, झाड़ू छाप है, सब जानते हैं, हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ बोलते हैं हाँ अच्छा झाड़ू वाला है, हमें तो खोजत रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का जो जनता तक जो पहुँच है माननीय केजरीवाल जी का वो हो चुकी है, तो इस बार अप्रत्याशी है। 2018 से कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं। देखिए 5 साल भूपेश बघेल जी का जबरदस्त रहा है, नरवा घरवा घुरवा बाड़ी में उलझे रहे, और इनका विज़न एक साफ है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो आप नरवा घरवा घुरवा में ही पड़े रहो, और जितने मेरे उद्योगपति हैं, जितने मेरे नेतागण हैं, जितने मेरे बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, मैं उनके बच्चों को मैं डिप्टी कलेक्टर बनाऊंगा, DSP बनाऊंगा, वो सारा काम करवाऊंगा, लेकिन आप गरीब जो जनता हैं आप सिर्फ गांव में रहिए, और गांव में रह के अपने बच्चों से गोबर इकट्ठा करवाइए और गोबर को बेचिए, और कहां पर बेचना है, पेपर में, अभी तो देख रहे हैं बड़े बड़े गोबर घोटाला भी है, तो पेपर में इनका सारा डेवलपमेंट है, और बड़े बड़े होल्डिंग्स में, कहीं नहीं है धरातल में, शून्य है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं सर, केंद्र में अगर बात की जाए तो अलायंस बना के बैठे हैं, यहाँ पे राज्य में, राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पे कोस रहे हैं। मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन पूछे आप, मैं चाह रहा था कि क्वेश्चन पूछें आप। देखिए केंद्र के जो अलायंस है वो उस अलायंस का जो मोटिव है उसको समझिए, अलायंस क्यों बनी उसको भी समझना पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अभी, वो संवैधानिक जो सिस्टम है उसको दुरुपयोग करके, ED CBI जैसे संस्थानों का दुरुपयोग करके, और जितने भी नेतागण हैं, विपक्ष के लोग हैं या उनके खिलाफ बोलने वाले हैं या उनके जो विचारधारा से विपरीत विचारधारा रखते हैं, उन सब को कहीं ना कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं, संवैधानिक सिस्टम का दुरुपयोग है। अगर आप चुनी हुई सरकार, दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूँ, जनता ने चुनकर सरकार बनाया और उनको संवैधानिक पावर दिया गया, उन संवैधानिक पावर को आप संविधान में छेड़छाड़ करके, संविधान को आप संवैधानिक सिस्टम को, संविधान की जो आत्मा है उसको, आप जो आत्मा है लोकतंत्र है उसको भी कुचल के, आप अपना जो तानाशाही रवैया अपनाने का विचार रखते हैं, तो निश्चित ही मैं तो आह्वान करता हूँ कि ये जो 140 करोड़ जो भारतवासी हैं उनका ये संगठन है, और 140 करोड़ भारतवासियों की जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान की रक्षा करें, तो भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, और उसमें हम जो भी हमारे साथ है, यहाँ तक कि हम तो किसी भी दल की बात ही नहीं करेंगे, पूरी 140 करोड़ जो जनता है उसकी बात करते हैं, उसके साथ गठबंधन है हमारा, उसके साथ हमारा आपस में कंधे मिलाकर हम डटे हुए हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम संविधान के खिलाफ नहीं करेंगे, तो ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष आप बनाए गए, 10 गारंटी तो जारी कर दी, कल ही एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है उसको कि फिर से कर्जा माफ़ करेंगे, आप इस बार क्या नया ला रहे हैं फिर? मेरा एक प्रश्न है आपके ही माध्यम से, मैं पूरे देश, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता से करना चाहता हूँ। किसान, कोई नया सरकार आता है चुनाव के समय कर्जा माफ़ करता है, किसान भाई हम खुश हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम किसानी का समय आता है फिर से कर्जा लेते हैं। कर्जा क्यों लेते हैं? क्योंकि आपने पूरा जितने भी यूरिया, सुपरफास्फेट, पोटाश, निंदाई, कटाई, मिसाई, सब सारे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ चुका है, इसलिए किसान कर्जा लेने पे मजबूर है, क्योंकि उसको फसल जो होता है वो फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको मिटाने के लिए किसान कर्जा लेता है, कर्जा लेता है, उसके बाद वो ले दे के थोड़ा पैसा कमा लेता है, उसको फिर जो हॉस्पिटल इलाज के लिए जो कर्जा लिया रहता है उसमें निछावर कर देता है, उस कर्जा को पटाता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास फिर खाली हाथ हो जाता है, फिर उसके बाद किसान अगले गर्मी का तैयारी करने में लग जाता है, फिर से कर्जा लेने के लग जाता है। तो मुझे समझ में नहीं आता, आज आज़ाद भारत हुए 75 साल हो गया, उसके बाद भी किसानों को कर्जा ही लेना क्यों पड़ रहा है, एक किसानों को हर साल कर्जा लेना क्यों पड़ रहा है, और किसान का कर्जा माफ़ करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? मेरा इस देश के जितने भी सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य की हो, सभी से अनुरोध है
कि अब ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि किसान को कर्जा लेने की जरूरत ही ना पड़े, तब हम गर्व से कहेंगे कि आज हमारा छत्तीसगढ़ का जो किसान है वो कर्ज मुक्त हो गया है। असली मायने में कर्ज मुक्त वो होगा कि आपको अगले साल की जो फसल है उसके लिए कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है, हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही पंजाब में, अभी तो 1.5 साल हुआ है, पंजाब का इसका रोल मॉडल होगा। पंजाब में भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है सारी, वहाँ पर हमने काम करना चालू कर दिया है, किसानों को सशक्त करना चालू कर दिया है ताकि किसानों को कर्जा लेने की जरूरत ही ना पड़े। जब उनके फसलों का पैदावार का सही तरीके से कीमत मिलेगा और बहुत सारे प्रोत्साहन मिलेंगे उसको जो उसका हक है, तो क्यों नहीं हो सकता। जो छत्तीसगढ़ के लिए अलग से सपना है हमारा, अलग से प्लान है, और आम आदमी पार्टी आएगी तो हम छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए ऐसा व्यवस्था करेंगे कि उनको कर्जा लेने की जरूरत ही ना पड़े। हम उनको उनको ऐसा सिस्टम बना के देंगे ताकि हर साल कर्ज के लिए कर्ज के जंजाल से मुक्त हों। लेकिन हमेशा से एक आरोप विपक्ष लगाता रहा है सर आप लोगों पर कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं, आप लोग कर्ज में ही डुबो रहे हैं और कुछ नहीं। ये नेता लोग जब चुन के जाते हैं तो उनके बिजली फ्री, उनका पानी फ्री, उनका रहना फ्री, उनका स्वास्थ्य सुविधा फ्री, उनका नौकर चाकर सब कुछ फ्री, उनके लिए सब कुछ फ्री। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब जनता के मूलभूत सुविधा जो संवैधानिक हक है, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, जब जनता को देने की बात आती है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है। तो ये प्रश्न आप नेता लोगों को पूछिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको फ्री मिले तो रेवड़ी नहीं है वो, लेकिन जनता को फ्री में देता है शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, तो वो मुफ्त की रेवड़ी कैसे हुई। अगर ये मुफ्त की रेवड़ी है तो हम माननीय केजरीवाल जी बोलते हैं हाँ हम बांटते हैं, जनता को बांटते हैं, नेताओं को नहीं बांटते। कैसा छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी बनाना चाहती है इस पर ज़रा बताइए, क्योंकि हमने देखा दिल्ली में कई सारी सुविधाएँ अब दे रही है सरकार, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग प्रशंसा कर रहे हैं। हम अभी हम लोग अभी गए थे सरगुजा संभाग में, वहाँ भी क्रेज़ आम आदमी पार्टी को लेकर है कि ये अच्छा काम करे, इनको वोट देंगे, तो ये किस तरह की दीवानगी है भाई। देखिए ये तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी के जो साफ नियत के साथ ईमानदार सरकार जो देखे, उन्होंने जो काम करके दिखाया दिल्ली में, आपको पता है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है बोलना चाहिए, उनके हाथ में एक लिमिटेड पावर्स हैं, उस लिमिटेड पावर्स के बावजूद इतना काम करके उन्होंने दिखाया कि आज पूरा देश के साथ साथ विदेश के भी लोग अगर आके उनके एजुकेशन हेल्थ मॉडल है उसको स्टडी करके जा रहे हैं, तो कुछ तो बात है वहाँ पर। तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ में भी हमारा बहुत बड़ा सपना है। आज छत्तीसगढ़ में देखिए सुदूर गांव में अगर जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, बलौदा क्षेत्र में चले जाइए आप, बलौदा से अकलतरा आना रहेगा तो लोग 200 रुपये खर्चा करते हैं, और 200 रुपये कमाने के लिए पूरा 1.5 दिन जो गरीब लोग हैं, खेती किसानी करते हैं, किसान भाई हैं, उनको काम करना पड़ेगा, मजदूर हैं उनको मजदूरी करना पड़ता है, तो एक बार में 150-200 रुपये ख़त्म हो जा रहा है एक छोटे से एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में, क्योंकि बसेस नहीं, मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो आजू बाजू में इलाज करने का व्यवस्था नहीं है तो उसको शहरों में ले जाके जाना पड़ रहा है, तो उसके लिए खर्चा हो रहा है, क्योंकि आपके छोटे छोटे जो कस्बे हैं या शहर हैं उसमें इलाज की व्यवस्था नहीं है, अकलतरा बलौदा जैसे शहरों में कुछ व्यवस्था ही नहीं है। तो मैं अगर मेरे क्षेत्र की बात करूँ या छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो सब जगह एक ही प्रॉब्लम है, जो बुनियादी ज़रूरत, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट, रोड, सड़कें, ये सब सारी चीज़ों जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, हम उसको सेम एज इट इज़ लागू करेंगे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हम ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आने वाला जो 40-50 साल है वो तो आम आदमी पार्टी का ही रहेगा निश्चित रूप से। इतना आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है। देखिए माननीय अरविंद केजरीवाल जी एकमात्र देश के ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि अगर मैंने काम किया है, अगर मेरे विधायक ने काम किया है तब आप वोट करिए, नहीं तो मत वोट करिए। ऐसा कहने की हिम्मत किस में है बताइए। मैं चैलेंज करता हूँ ऐसा कहने की हिम्मत कांग्रेस और भाजपा किसी भी पार्टी के नेता में हो, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी को मैं चैलेंज करता हूँ कि आए और हर गांव में बोल के जाए कि अगर मैंने आपके गांव में काम किया है और आपके लिए काम किया है तो आप मुझे वोट करना, नहीं तो मत करना। हम तो चाह रहे हैं, मैं तो डंके चोट में कह रहा हूँ, अगर हमने दिल्ली में काम करके जो दिखाया, पंजाब में जो हमने 1.5 साल में काम करके दिखाया, अगर क्षेत्र की जनता उससे संतुष्ट है, उसको जानती है, अगर वो सहमत है कि यहाँ भी होना चाहिए तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जो सारे जो समस्याएं हैं वो
वो समाधान हो चुका है। पेंशन बनवाने के लिए 3,000 रुपये लग रहा है, राशन कार्ड बनवाने जाने के लिए 3-4 हज़ार रुपये लग रहा है, आवास के लिए 20-25 हज़ार घुस देना पड़ रहा है, नहीं तो बोल देते हैं 2011 की लिस्ट में नाम नहीं। सोचिए, मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो नहीं बन पा रही है। अगर ये सबसे प्रताड़ित नहीं है, आप दुखी नहीं है, तो आप आम आदमी पार्टी को वोट मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप खुश हैं तो वोट करने की जरूरत ही नहीं। आज आम आदमी पार्टी 10 साल में 2 राज्य में और के साथ साथ 4 राज्यों में आज हमारा विधायक है और पूरे देश में जाना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 75 साल में ये कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियों ने काम नहीं किया, तभी हमें जनता स्पेस दे रही है। नहीं तो स्पेस देती क्या? नहीं देती। तो आम आदमी पार्टी जनता के काम के लिए आई है इस बार, और जनता के जो जितने भी समस्याएं हैं उसको निराकरण। आप चूंकि यहाँ से प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं अकलतरा से, यहाँ पर कई इंडस्ट्री है, लेकिन बात रोज़गार पर आके अटकती है सर। आपने भी कह दिया कि हम लोग भी बेरोज़गारी भत्ता देंगे, लेकिन क्या संभव नहीं है कि हम यहीं के युवाओं को, इनके हाथ को हम रोज़गार मुहैया कराएं? देखिए, मैंने ना एक पॉम्पलेट अकलतरा विधानसभा के लिए अलग से एक गारंटी कार्ड बना के रखा है, मैं उसको दिखाना चाहूँगा थोड़ी देर में। अगर एक विधायक चाहता है, अकलतरा विधानसभा में पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, कोल वाशरीज हैं, बड़े बड़े क्रेशर्स हैं, राइस मिल्स हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे। अकलतरा विधानसभा अपने आप में एक इंडस्ट्रीज बेल्ट ही बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल बेल्ट। तो इन क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज जितने भी जो लोग हैं, युवा लोग हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, इतने सारे रोजगार होने के बावजूद उसका कारण सिर्फ एक है, यहाँ पर क्षेत्रीय लोगों के कंपैरिजन में बाहरी लोगों को ज़्यादा रोजगार दिया जा रहा है। तो बाहर बाहर से जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आ रहे हैं, और उन लोगों को कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की जो जनता है, जो युवा है, जो पढ़े लिखे योग्य युवा है, उनका हक और अधिकार को छीन रहे हैं। और इसका सीधा सीधा जिम्मेदार मैं यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक गण हैं, चाहे वो आज तक किसी भी पार्टी का बना हो, उनको ही दूंगा, क्योंकि वो चाहते नहीं कि इस क्षेत्र के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले। अगर कहीं पर मिल जाता है तो वो ठेकेदार के अंदर में उनको हेल्परी करने का, मजदूरी करने का रोज़गार दिलवाते हैं 15 दिन के लिए, और उसको बोलते हैं कि मैंने तुमको रोज़गार दिलवाया। सोचिए, तो मैंने यहाँ पर ये 10 गारंटी जो लिख के दिया है, ये माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी प्रदेश के लोगों के लिए दिया, उसके साथ अकलतरा के लिए हमने ये स्पेशल 10 गारंटी बनाया हुआ है। इसमें साफ साफ हमने लिख के दिया है कि अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में संचालित जितने भी संयंत्र हैं उसमें 80% जो रोजगार होंगे वो हमारे क्षेत्रीय युवा बच्चे हैं, जो भी छात्र छात्राएँ जो पढ़ के निकलते हैं उनको ही दिया जाएगा, ऐसा व्यवस्था हम करेंगे, ये हमने लिख के दिया है। और जितने भी, ये भी लिख के दिया है कि जितने भी संयंत्र, उद्योग धंधे या छोटे मोटे व्यापारी हैं, मंझोले व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, उनको भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, उनको अवैध वसूली मुक्त व्यवस्था दिया जाएगा। आज वो इंडस्ट्रीज और सब लोग त्रस्त हैं, ये नेता गणों के दबाव में आकर कि मेरे इतने लोग हैं इनको काम में लगाओ, उनके इतने लोग हैं इनके काम में लगाओ, वो उसका आदमी है उसको निकाल दो काम से, वो त्रस्त हो गए हैं। तो सही टैलेंट मिल नहीं पा रहे, आज युवा इसलिए भटक रहे हैं दर दर। अगर मैं आपका आदमी नहीं हूँ तो मेरे को नौकरी नहीं मिलेगा, उनका आदमी हो तो नौकरी मिलेगा, ऐसा मतलब पक्षपात पूर्ण तरीके से यहाँ पर चल रहा है। तो इंडस्ट्री भी परेशान है, कहीं ना कभी कभी क्या है, जो योग्य जो व्यक्ति है वो दबाव की वजह से उनको निकाल दिया जाता है, या फिर उनको क्या कर दिया जाता है, नौकरी नहीं दिया जाता है। तो वो लोग भी चाहते हैं भयमुक्त व्यवस्था, तो हम आपके माध्यम से जितने भी इंडस्ट्रीज हैं सबको मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, निश्चिंत रहिए आप लोग, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 1 महीने बाद आम आदमी पार्टी की यहाँ पर नेतृत्व होगी, तो आम आदमी पार्टी आम जनता की है, उसमें आप भी शामिल है, सबकी है, सभी का बराबर ख्याल रखा जाएगा, अवैध वसूली नहीं किया जाएगा। इंडस्ट्री है चूँकि यहाँ पे प्रदूषण भी है सर, हम आते समय बहुत देखे, प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कुछ उपाय ढूंढा है आपने? जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जितने भी पावर प्लांट हैं, मैं उस क्षेत्र में जाता हूँ तो पावर प्लांट के जितने भी प्रभावित ग्राम हैं उसमें पता चलता है कि वहाँ पर लोग हमारे गांव देहात में बड़ी बोलते हैं, वो बड़ी भी नहीं बना पाते क्योंकि ओपन में सुखाना पड़ता है, क्योंकि उसमें डस्ट जम जाता है। तो कहीं ना कहीं आज सबके सब लंग्स और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं धीरे धीरे।
सीएसआर फंड का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है और यहाँ के नेतागणों के साठ गांठ से, उसका जीता जागता उदाहरण है अकलतरा विधानसभा क्षेत्र। इतने इंडस्ट्रीज होने के बाद भी सीएसआर फंड में इतने पैसे आते हैं, उसका कहीं भी धरातल में उपयोग नहीं हो पाया आज तक। जो प्लांट है इधर के, ना तो उन्होंने हॉस्पिटल बना पाए, ना तो उन्होंने स्कूल्स बना पाए, जबकि स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाने की प्रोविज़न सीएसआर फंड से हो सकता है, एक बात। दूसरी बात, इन जितने भी संयंत्र चले हैं, इन नेताओं के दबाव और साठ गांठ की वजह से, यही भ्रष्टाचार की वजह से आज तक इन्होंने जो इन्वायरमेंट के जो नॉर्म्स हैं उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरीके से। तो इस वजह से बहुत सारे पॉल्यूशंस हो रहे हैं, अंधाधुंध तरीके से एक्सपेंशन हो रहे हैं, अंधाधुंध तरीके से बिना नॉर्म्स को बिना सोचे समझे राजनीतिक फायदे, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के हितों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम ये सारी जो सिस्टम है उसको ठीक करेंगे, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी उनका भयमुक्त वातावरण देंगे, और जो नॉर्म्स है उसको आप पूरा करिए, और जो जनता है उसको, जनता का जो हक है उसको जनता तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए भी काम करेंगे। दोनों के लिए हम काम करेंगे, सबके लिए काम। जी, केजरीवाल जी लिख कर देते थे कि इस बार हमारी सरकार बननी है, यहाँ भी क्या लिख कर देंगे वो? देखिए, अब वो तो सीएम साहब आएंगे तब बताएंगे, अब आप वो ये प्रश्न उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं देख रहा था स्टार प्रचारकों की लिस्ट में ऐसे नेताओं को किया है जो अभी जेल में है, उसमें संजय सिंह है, मनीष सिसोदिया जी हैं, वो तो अभी जेल में, फिर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मैंने आपको जेल में बंद कर दिया, मेरे पास पावर है तो मैंने आपको जेल में बंद कर दिया, और आप जब सुनवाई के लिए जाते हैं तो जज को बोल देता हूँ छुट्टी में चले जाओ, जज छुट्टी में चले जाता है। आज तक आपके ऊपर आरोप नहीं लग पाया है कि मतलब आरोप लगा है, साबित नहीं हो पाया कुछ भी चीज़ें, नहीं कोई सबूत पेश कर पा रहा हूँ मैं, तो क्या मुझे लगता है मतलब मुझे आपको जेल में रखना चाहिए? मैं आपसे ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, रखना चाहिए क्या? जब मैं आपके खिलाफ सबूत भी नहीं इकट्ठा कर पा रहा हूँ और कोर्ट बोल रही है कि सबूत लेके आओ, फिर भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे जेल में रखने का हक है आपको? और अगर उसके बाद भी मैंने जेल में रखा, बंद कर रखा है आपको, तो फिर वो क्या है? तानाशाही रवैया है ना। तो आप सत्य को आप दबा नहीं सकते ज़्यादा दिन, बहुत जल्दी बाहर आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कमेंट भी किए थे ना इसमें कि भाई अगर आप सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं तो जेल में क्यों बंद करके रखे हैं? तो ये तो फिर बहुत आने वाला वक्त में पता चल जाएगा कि क्या होगा। सच और झूठ में सच की जीत होगी निश्चित रूप से। गौठान योजना को भूपेश सरकार अपनी फ्लैगशिप योजना बता रही है, आपको लगता है कि इससे लोगों को फायदा हुआ है? मैं तो अभी तक जितने भी गया हूँ मुझे तो एक भी आदमी नहीं मिले, सब बोलते हैं हम, मैंने पूछता हूँ कोई 5-10 हज़ार कमाया हो तो नहीं बोलते हैं, सब गोबर पति बन गए हैं, रुपये पति नहीं बना, किसी को रुपये वगैरह लग पति वगैरह बन गया, करोड़पति बन गया, ऐसे करके बोलते हैं लोग सरकार में जो बैठे हैं नुमाइंदे, उन लोग बड़े बड़े पोस्टर्स में देखा, लेकिन मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया, आपको कहीं आया होगा तो बताइए, मैं मिलने जाऊँगा उनसे। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है जी गौठान योजना। महिलाओं के लिए क्या कुछ रहेगा इस बार खास, क्योंकि हमेशा से आम आदमी पार्टी पर निगाहें महिलाएं टिका के रहती कि ये हमारे लिए कुछ स्पेशल लाएंगी, चाहे दिल्ली की बात हो पंजाब की बात हो, यहाँ क्या कुछ खास होगा? देखिए, महिलाएं, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें महिला ना हो, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में, बहन के रूप में, हर रूप में माँ है, हर रूप में मातृशक्ति है, तो ऐसा कोई घर नहीं है जो मातृशक्ति के बगैर है। लेकिन आज तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने कभी भी मातृशक्ति के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इनको सिर्फ एक वोट बैंक समझा। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को केंद्रित करती है और महिलाओं को शक्ति प्रदान करती है, और उसी दिशा में काम की है। दिल्ली देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त में बस यात्राएँ हैं, छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? आज अगर यहाँ छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ गांव-गांव में, तो एक माँ ही है या महिला ही है बोलना चाहिए किसी भी रूप में, जो सबसे पहले उठती है घर में, और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ मैं, हर घर की सबसे पहले उठेगी, बच्चों के लिए खाना बनाएगी, पति के लिए भी, सबके लिए भी माँ जो है, उसके बाद वो खेतों में काम करने जाएगी, दोपहर में आएगी, उसके बाद फिर से घर के लिए खाना बनाती है, उसके बाद दोपहर के बाद फिर से सेकेंड टाइम काम करने जाती है खेतों में, उसके शाम में आके फिर से खाना बना के करती है। अगर घर में कोई बच्चा बीमार है तो भी महिला को तकलीफ हो रहा है, पति बीमार है तो भी महिला को तकलीफ हो रहा है, सास ससुर माँ बाप बीमार है तो भी महिला को ही तकलीफ है। आज सबसे ज़्यादा जो दुखी है और सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो घर की महिला है, हर घर की, पूरे घर को जो उठा के रखने के लिए जो बोलते हैं ना, वो मातृशक्ति ही उठा के रखी हुई है। तो मातृशक्ति को सशक्तिकरण के लिए माननीय
अरविंद केजरीवाल जी ने जो 10 घोषणाएं की है, 18 साल के ऊपर के हर महिलाओं को 1000 रुपये उनको सम्मान राशि, स्कूल अच्छे बनेंगे ताकि गांव गांव में जो सुदूर गांव में हैं वहां की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं अपने छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ा सकें। आज छोटी छोटी हमारी बेटियां हैं वो पढ़ नहीं पा रही क्योंकि उनको एक गांव से दूसरे गांव में जाने में बहुत तकलीफ होता है इस वजह से। तो कहीं ना कहीं जितने भी सशक्तिकरण की जो बात चल रही वो सारे हमारे महिलाओं के लिए हैं। तो मातृशक्ति के लिए हमने अलग सोच के रखा हुआ है माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने, और दिल्ली पंजाब में हम करके दिखाएं तो छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। राघवेंद्र सिंह और सौरभ सिंह, किनको चुनौती मानते हैं आप? देखिए अकलतरा में सिर्फ दो ही है, एक तरफ है राजागण और राजा महाराजा और एक तरफ है प्रजा। तो ये राजा महाराजा और प्रजा के बीच की लड़ाई है, ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं रह गई अब, वो दोनों एक ही हैं। यहाँ पर कोई कांग्रेस भाजपा नहीं है, एक ही है। तो यहाँ पर अब जो क्षेत्र की जनता है वो इस बार ठान चुकी है कि एक तरफ प्रजा है, एक तरफ राजा महाराजा गण है। तो इस बार प्रजा खुद का अपना विधायक बनाएगी और प्रजा खुद विधायक बनने जा रही है और अपने की समस्या का समाधान है वो खुद करने जा रही है। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ क्योंकि क्षेत्र की जनता ऐसा कह रही है। एक आखिरी सवाल, अगर मामला फंसता है, आपके विधायक जीत कर आते हैं, अगर गठबंधन की स्थिति बनती है तो किनके साथ जाएंगे आप? देखिए गठबंधन की सवाल नहीं है अभी के, उसमें क्या है, हमारे जो आम आदमी पार्टी का जो सिस्टम रहा है आज तक, आपने देखा होगा किस तरीके से चुनाव लड़ते हैं हम लोग, और क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास है ज़बरदस्त। आपने ही कहा कि बस्तर तरफ भी बहुत क्षेत्र की जनता प्यार दे रही है, तो आप समझिए बस्तर में भी हम पहुँच चुके हैं, तो ये तो मैदानी बेल्ट है सोचिए। तो कहीं ना कहीं इस बार सोचने वाली बात ही नहीं, क्वेश्चन करने वाली बात ही नहीं गठबंधन की। जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहें सर हमारे माध्यम से? जी, मैं मेरे क्षेत्र के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता को हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस बार हम सब प्रजा मिलकर अपने प्रजा को ही इस बार विजयी बनाएं, आम आदमी को विजयी बनाएं, अपने आप को विजयी बनाएं। आज तक इन जितने भी राजा महाराजा गण हैं इन सब ने हमें सिर्फ गुलाम बनाने के अलावा कुछ नहीं किया, हमें सिर्फ दबा कर डरा कर धमका कर सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों का विकास किया उन्होंने। तो इस बार पूरी जो क्षेत्र की जनता है सब मन बना चुकी है, तो आइए इस जबरदस्त जीत का हिस्सा बने और आम आदमी का विधायक एक आम आदमी हो, वैसा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वैसा हम सिस्टम बनाएं, एक व्यवस्था बनाएं, और ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में पूरी क्षेत्र की जनता से अपील है कि बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को देखने की ज़रूरत है। स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए एक बार आम आदमी पार्टी को झाड़ू छाप में बटन दबाइए। धन्यवाद। तो ये थे आनंद प्रकाश मीरी जी, अकलतरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, जिनका कहना है कि इस बार राजा महाराजा नहीं बल्कि जनता जनता के बीच से इस बार प्रत्याशी चुनने वाली है, और अपने जीत का दावा भी ये करते नज़र आ रहे हैं। हमने इनसे खास बातचीत की। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार होगी आप सबसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।